आज वैसे ठीक ठाक हवा चल रही है, लेकिन कहीं पर तूफान भी आया है। कहाँ? इमली की जिंदगी में। जी हाँ, वैसे तूफान तो बहुत पहले आ गया था, 5 साल पहले लीप आ गया ना, लेकिन लीप के बाद जब दोबारा इमली और अथर्व मिले तब भी तूफान आ गया। ये तूफान ना ऐसे वक्त पर ही आता है जब दो दिल मिलने वाले होते हैं। कहते हैं ना, किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात उसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है, और इस बार इमली और अथर्व के बीच तूफान ने साजिश रची है इन्हें मिलाने के लिए। 5 साल बाद दोनों जब मिले तो इमली के जज्बात उमड़ पड़े जैसे तूफान के साथ बारिश उमड़ पड़ी है। इसी नजारे का तो इंतजार दर्शक कर रहे थे कि आखिर इमली और अथर्व कब मिलेंगे। तो देखिए कैसे कैरी के वजह से इमली और अथर्व एक ही फ्रेम में आ गए, क्योंकि इमली अगर कैरी को बचाने नहीं आती तो वो अथर्व से मुलाकात नहीं कर पाती। के बाद ख़त्म होने के बाद इमली घर वापस जा रही है, तो एयरपोर्ट जा रही थी वो अकेली, और यहाँ पे बहुत तूफान बारिश होता है तो रोड ब्लॉक हो जाता है, तो इमली जा नहीं पाती। एंड सडनली उसको दूर से कैरी दिख जाती है बारिश में, एक पप्पी के पीछे वो भाग रही होती है, और उसको समझ नहीं आता एंड वो उसको बचाने के लिए भागती है। एंड जब वो बचाने जाती है वहाँ पे एक वो पेड़ का एक ब्रांच गिरने वाला होता है उसके ऊपर, और वो होल्ड करती है बचाती है, तो उसको दिखता है कोई और भी है सामने जो कैरी को बचाने के लिए आया हुआ है। एंड जब वो उसको दिखता है तो अथर्व दिखता है, तो उसको तो शॉक, एकदम शॉक में आ जाती है, उसको समझ नहीं आता है ये सच है गलत है क्या नहीं है, उसके मन में हज़ारों सवाल है। तो उसको एक सेकंड के लगता है नहीं नहीं ये कुछ भ्रम हो रहा होगा, ये सच हो नहीं सकता, ये मेरा सपना है, हर बार की तरह सपना है, टूट जाएगा एंड ऑल। एंड फिर थोड़ी देर बाद जब उसको रियलाइज़ होता है कि अथर्व ही है, तो बहुत ही खुश हो जाती है कि अथर्व मेरी ज़िंदगी में वापस आ गया। 5 साल का इंतज़ार आखिर ख़त्म हो ही गया, तभी तो इमली ने ना आव देखा ना ताव, वो अथर्व को गले से लगा लेती है। लेकिन इमली को क्या पता था कि वक्त के साथ साथ अथर्व के जज्बात भी बदल गए हैं। टूट कर बिखरने का तो जैसे इमली का नसीब हो गया हो। उसकी वजह यह है कि इमली को यही पता चलता है कि कैरी किसी और की नहीं बल्कि अथर्व की बेटी है। 5 साल बाद आप मतलब ठीक हो, 5 साल में आप मिलने की अपने मिलने की कोशिश नहीं की, आपको याद है मेरे बारे में, आप मुझे पहचानते हो, सब कुछ सही है, तो फिर आप लौट के वापस क्यों नहीं आए? तो उसको गुस्सा भी आता है, मतलब एक मिक्स्ड इमोशन, ऑब्वियसली काफ़ी सारे सवाल है, 5 साल से इमली उसकी याद में उस रो रो के गुजारी है उसने, तो इसलिए बहुत सारे सवाल करते हैं। एंड अथर्व पूरा स्पीचलेस हो जाता है, उसकी बोलती बंद हो जाती है, वो समझ नहीं आ रहा वो अपने इमोशंस कैसे दिखाए या क्या करे। एंड कैरी उस टाइम बोल देती है कि अरे मंकी पा, तो इमली और उसको और बड़ा शौक मिलता है कि इसी की मतलब अथर्व की ही बेटी है, तो मतलब वो बैठ जाती है नीचे एंड एकदम से टूट जाती है। कैरी जितना अथर्व को प्यार करती है उसी तरह वो इमली की भी फैन है, और किसे क्या पता कि आगे चलकर कैरी को पता चले कि उसकी माँ कोई और नहीं बल्कि इमली है। खैर ये नज़ारा तो पर्दे का है, लेकिन आपको दिखाते हैं पर्दे के पीछे का नज़ारा, जहाँ बिन मौसम बरसात कराई जा रही है, और आप देख सकते हैं कि तूफान लाने के लिए कैसे बड़े बड़े पंखे का इस्तेमाल किया जाता है, और इस क्यूट से पप्पी को देख सकते हैं कि कैसे खिला पिला कर इससे शूटिंग कराई जा रही है। इन सब के बीच एक्टर्स के लिए भी काफ़ी डिफिकल्ट होता है भीग कर शूट करना, वो भी पूरे इमोशन के साथ।
मतलब गर्मी में जब शुरू हुआ तब तो बड़ा मज़ा आ रहा था मुझे, क्योंकि ऑब्वियसली इतनी गर्मी है तो आपको बारिश में थोड़ा मज़ा है, लेकिन धूप भी है ना तो इतना वैसा नहीं लग रहा। अभी जैसे ही धूप ढलने लगता है और नॉर्मली नेचुरली भी बहुत हवा चल रही थी और तूफ़ान है तो तूफ़ान फ़ैन भी स्टॉर्म फैंस भी आए हैं, तो अब ठंड लगना शुरू हुआ है तो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है, स्पेशली फॉर इमोशनल सीन्स आपको बारिश में भीगते हुए डायलॉग बोलना, क्योंकि मुँह में बहुत पानी चला जाता है। इसी का नाम तो शूटिंग है कि रोल कैमरा एक्शन करने के बाद सारी तकलीफें भूलनी पड़ती है कलाकारों को, क्योंकि दर्शकों के एंटरटेनमेंट के लिए एक्टर्स जी जान लगा देते हैं। खैर अब इमली की बात करें तो वो अथर्व से मिल चुकी है और जान चुकी है कि उसका अथर्व अभी जिंदा है। अब आगे देखना होगा कि टूटी हुई इमली आखिर अपने आप को कैसे परेशानियों के तूफान से बिखरने से बचाएगी। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।